एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट राहुल। आप देख रहे हैं कारमैन इंडिया। एंड आज जो कार हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, ये है आप सबकी फेवरेट, द टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। एंड जैसा कि मेरा अर्लियर भी आपसे वीडियोस पर अपना प्रॉमिस रहे कि हाई क्रॉस इज वन कार जिसके अंदर जो मॉडिफिकेशन हम लोगों को दिखाने वाले हैं वो हर बार ही कुछ ना कुछ डिफरेंट रहने वाली है। सो आपने हमारी अर्लियर वाली वीडियोस में देखा होगा दैट दिस इज द GX मॉडल। एंड GX मॉडल को हमने ZX टाइप मॉडल इंटीरियर तो हमने ऑलरेडी हम कार के अंदर बना चुके हैं, विच इज द चेस्टनट कलर। बट आज जो कार हमारे पास आई है इसके अंदर भी दिस इज द GX मॉडल, तो इंटीरियर सारा बेसिक ही आता है। एंड इसके अंदर हम करने जा रहे हैं कंप्लीट इंटीरियर अपग्रेड, जिसके अंदर जो कलर स्कीम हमारी रहने वाली है दैट इज गॉना बी आइस ग्रे। तो इससे पहले कि बताऊँ कार के अंदर करने क्या क्या जा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको चल के दिखाऊंगा कार की स्टॉक कंडीशन। सो हम जैसे ही कार को ओपन करते हैं, काफी सारा डिसमेंटलिंग तो हम ऑलरेडी कार के अंदर स्टार्ट कर भी चुके हैं। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट आर द सीट्स। जो सीट्स जैसे कि आप देखेंगे इस कार के अंदर हमें जो फैक्ट्री फिटेड सीट्स मिलती है वो बेसिक ब्लैक फैब्रिक सीट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि कहीं से भी प्रीमियम नहीं लगती। साथ ही के साथ इसके डोर पैनल्स भी देखेंगे, डोर पैनल्स भी हमें यहाँ पे ऑल ब्लैक मिलते हैं बाय द कंपनी। एंड इसके अंदर किसी भी तरह की कोई डिटेलिंग नहीं है। साथ ही के साथ जो हमें यहाँ पे पावर विंडो प्लेट मिलती है वो भी हमें मैट ब्लैक मिलती है। प्लस हमारा जो सेंटर कंसोल है, सेंटर कंसोल में भी जैसे कि आप लोग देखेंगे कि हमारा जो स्टीरियो वाला फ्रेम है, जो हमारे एयरकॉन कंट्रोल्स का बैक है, प्लस हमारा जो गियर लीवर का एरिया है वो सारा मैट ब्लैक आता है, जो कि बिल्कुल भी प्रीमियम नहीं लगता। एंड जो डैशबोर्ड भी हमारा है वो भी हमें यहाँ पे ऑल ब्लैक ही मिलता है बाई कंपनी। सो इस कार के अंदर कंप्लीट इंटीरियर रिवैम्प होने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम डैशबोर्ड भी इसका चेंज करेंगे, इसके डोर पैनल्स को भी मॉडिफाई करेंगे, सीट्स भी प्रॉपर इसके अंदर कस्टमाइज सीट्स बनाई जाएगी, प्लस वेरियस अदर एक्सेसरीज कार के अंदर हमारे इंस्टॉल करने जा रहे हैं। सो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाती है मैं आपको दिखाऊंगा कि किस लेवल का प्रीमियम वर्क आज हम इस कार के अंदर करने जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड आई विल मेक श्योर दैट यू एंजॉय एवरी बिट ऑफ द वीडियो। सो फाइनली मॉडिफिकेशन का प्रोसेस तो हमारा स्टार्ट हो चुका है। एंड जैसा कि आप लोग आके देखेंगे इसके इंटीरियर के अंदर कि जितना भी हमारा इसके अंदर स्टीयरिंग था, सेंटर कंसोल था, सीट्स था, सब कुछ यहाँ से रिमूव हो चुका है। ये कार इस वक्त बिल्कुल अंदर से पूरी की पूरी ब्लैंक है। सो ये सारा का सारा सामान हमारा अंडर प्रोडक्शन है, इंटीरियर तो हमारा बन ही रहा है। बट साथ में मैं आपको उससे पहले दिखाना चाहूँगा इसकी एक्सटीरियर एक्सेसरीज, जो हमने इसके अंदर एक बेसिक एक्सेसरी टचअप करा है। सो अगर हम आ जाए कार के फ्रंट पे, सो कार के फ्रंट पे हमने इसके लोअर में यहाँ पे इंस्टॉल करी है इसकी प्रॉपर जेन्युइन स्किड प्लेट्स, जिसकी इंस्टॉलेशन आप देख सकते हैं। अर्लियर ये वाला एरिया काफी ज्यादा ब्लैंक लगता था हमें एंड ब्लैक कलर का प्लास्टिक था, बट उसकी जगह पे हमने इंस्टॉल करी इसकी जेन्युइन स्किड प्लेट, जिसके लगने से हमें ये बेनिफिट ये मिलता है कि आगे से थोड़ी बहुत भी हमारी कार लगती है तो हमारे बम्पर को उससे प्रोटेक्शन मिलती है, हमारा बम्पर कहीं से भी डैमेज नहीं होता। एंड साथ ही के साथ एक बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग इस कार के अंदर है, जो कि हमारे लिए भी इट वॉज अ बिग सरप्राइज कि इनोवा हाई क्रॉस जैसी कार के अंदर हमें फ्रंट एंड रिवर्स पार्किंग सेंसर्स कार के अंदर मिलते ही नहीं है। सो इस कार के अंदर हमने इंस्टॉल करे फ्रंट सेंसर्स, जिसका अगेन आप देख सकते हैं वन सेंसर इज इंस्टॉल्ड ओवर हेयर, इसी के साथ में दूसरा सेंसर हमारे यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। एंड बाकी दो सेंसर हमारे जैसे कि आप देख सकते हैं, एक हमारे यहाँ पे राइट साइड वाले बेजल में इंस्टॉल्ड है, एक हमारे लेफ्ट साइड वाले बेजल में इंस्टॉल्ड है। सो दिस मेक शोज कि जब भी हम अपनी कार को पार्क कर रहे हैं, सो पार्क करते टाइम फ्रंट पे अगर कोई भी ऑब्स्टिकल पड़े तो उसका भी अलर्ट हमें कार के अंदर एक्सपीरियंस करने को मिलता है। एंड यही अगर हम चले कार के रियर वाले पार्ट पे, सो कार के रियर वाले पार्ट पे भी सेम चीज हमने कैरी आउट करी है। जो रियर वाली स्किड प्लेट है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है काफी नीटली। एंड ये मेक श्योर करेगी कि पीछे कोई ऑब्स्टिकल वगैरह पड़े तो उससे हमारे बम्पर को प्रोटेक्शन मिलती है। एंड यही अगर हम बात करें इसके रिवर्स सेंसर्स की, सो टोटल 4 रिवर्स सेंसर्स, 1 ऑन द ब्लैक बम्पर, एक इधर, एक हमारा इधर, और 2 को इंस्टॉल किया है यहाँ पे व्हाइट वाले बम्पर पे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे ये लेफ्ट वाला सेंसर है और ये हमारा राइट वाला सेंसर है। सो 4 सेंसर्स को फ्रंट पे इंस्टॉल किया गया, 4 सेंसर्स को रियर पे इंस्टॉल किया गया। सो दिस विल मेक श्योर कि हम कार पार्किंग में हमें काफ़ी ज़्यादा ईज ऑफ कम्फर्ट मिलता है हमें। अब अगर हम आ जाए इसके साइड प्रोफाइल पे, तो साइड प्रोफाइल में हमने इस पर इंस्टॉल करे हैं इसके जेन्युइन साइड स्टेपर्स। सो जैसा कि आप लोग देखेंगे दीज साइड स्टेपर्स, दीज आर कस्टम मेड फॉर इनोवा हाई क्रॉस, यूनिवर्सल स्टेपर्स बिल्कुल भी नहीं है ये। सो प्रॉपर फिटमेंट के साथ इसको इंस्टॉल किया जाता है। एंड इसके ऊपर मैं आपको चढ़ के दिखाऊंगा जैसे ही मैं डोर ओपन करता हूँ। सो प्रॉपर हम इसके अंदर लोड बेयरिंग कैपेसिटी भी मिलती है, लाइक मेरे जैसे अगर 3 जने भी स्टेपर के ऊपर खड़े हो जाते हैं तो भी स्टेपर का कुछ नहीं बिगड़ता, ये प्रॉपर हाई स्ट्रेंथ स्टेपर्स हमने इस कार के अंदर इंस्टॉल करे हैं। साथ ही के साथ एक और चीज़ जो कि इस कार के अंदर मिसिंग थी, दैट वॉज द रूफ रेल्स। रूफ रेल्स इज समथिंग जिसके बिना कार के अंदर एक काफ़ी इनकम्प्लीट हमें फील मिलती है। सो इसमें प्रॉपर हमने कस्टम मेड फॉर इनोवा हाई क्रॉस रूफ रेल इंस्टॉल करी है। ये बिल्कुल भी यूनिवर्सल रूफ रेल्स नहीं है। जनरली लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल एक्सेसरीज लेते हैं और उसको हर कार पे लगा देते हैं, बट वी डोंट डू दैट। चाहे हम स्टेपर्स लगाते हैं, चाहे हम रूफ रेल्स लगाते हैं, चाहे हम स्किड प्लेट्स लगाते हैं, ऑल दीज एक्सेसरीज आर कस्टम मेड फॉर इनोवा हाई क्रॉस। सो उसकी फिटमेंट एंड ऑल के अंदर हमें किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं मिलती। साथ में छोटी मोटी एक्सेसरीज हमने और लगाई है इस कार के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं
टॉप मॉडल में कंपनी हमें लोअर विंडो गार्निश लगा के देती है, तो वो भी हमने इसमें इंस्टॉल कर दिए। इसके काफ़ी हाई क्वालिटी विंडो वाइजर्स है, वो भी हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए। सो काफ़ी इसको हमने टेस्टफुली इस कार को मॉडिफाई करा है। एक्सटीरियर तो हमारा सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी हमने सटल एक्सटीरियर मॉडिफिकेशन करी है। एंड जैसे हमारा इंटीरियर कंप्लीट होता है उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इंटीरियर हमारा कितना सोफिस्टिकेटेड एंड प्रीमियम लगने वाला है। सो नाउ दिस इज डे टू एंड एट लास्ट हमारा सारा का इंटीरियर अपग्रेड प्रोसेस इस कार का कंप्लीट हो चुका है। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलते हैं कार के अंदर, एंड कार के अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ दैट कितना प्रीमियम इसका इंटीरियर आज हमें लगने वाला है। सो जैसे ही हम अपना डोर ओपन करते हैं, द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट दैट यू विल नोटिस आर द सीट कवर्स। जो सीट्स हमने इस कार के अंदर इंस्टॉल किए, दीज आर कस्टमाइज सीट कवर्स, कस्टम मेड फॉर इनोवा हाई क्रॉस। एंड कहीं ना कहीं फिटिंग की एक्यूरेसी आपके सामने है, किसी भी तरह की कोई कसर हमने किसी भी एंगल पे नहीं छोड़ी। सेंटर पे सारी की सारी परफोरेशन हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है, एंड साइड्स पे हमारा बिल्कुल प्लेन फैब्रिक है। एंड दिस इज अ ब्रीदेबल सीट कवर, सो हमें गर्मियों के अंदर बिल्कुल भी इशू भी नहीं आता। एंड क्योंकि लाइट कलर है तो बहुत ज़्यादा हीट भी अब्जॉर्ब नहीं करेगा। एंड दिस इज अ ड्यूअल टोन सीट कवर जिसमें हमारा फ्रंट सारा का सारा आइस ग्रे है, एंड जो रियर वाला पार्ट हमारा है, साइड वॉल्स, लोअर वॉल्स, ये सारी की सारी ब्लैक कलर की है पीछे से। सो ड्यूअल टोन सीट कवर है, हमारे इंटीरियर के साथ काफ़ी अच्छा मैच कर रहा है। आप पैसेंजर सीट देखेंगे, पैसेंजर सीट भी आपको सेम वे देखने को मिलेगी। एंड जब हमने सारे के सारे सीट कवर्स आइस ग्रे कलर में बनाए हैं, आइस ग्रे एंड ब्लैक में, तो जो मैट्स हमने इस कार के अंदर इंस्टॉल करे वो भी हमने सेम कलर स्कीम के अंदर ही इसके अंदर लगाए हैं। सो जो मैट्स हमने करे दीज आर कस्टम 70 मैट फॉर इनोवा हाई क्रॉस, एंड ब्लैक एंड आइस ग्रे वाली थीम के अंदर ही इसको बनाया गया, जिसमें ब्लैक कलर का मैट है एंड आइस ग्रे कलर की स्टिचिंग है। एंड जो कवरेज आपको मिलेगी दैट इज कम्प्लीटली एंड टू एंड, ये बिल्कुल भी शॉर्ट साइज मैट नहीं है, दिस इज अ फुल कवरेज मैट जो कि हमने इस कार के अंदर इंस्टॉल करे। साथ में हमें यहाँ पे जो कंपनी रबर पेडल्स प्रोवाइड करती है उसकी जगह पे हमने यहाँ पे इंस्टॉल करी है एल्युमिनियम पेडल किट विच इज प्लग एंड प्ले, कस्टम मेड फॉर इनोवा हाई क्रॉस। तो जो भी एक्सेसरीज हमने इस कार के अंदर लगाई है वो कहीं से भी यूनिवर्सल नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑल दीज एक्सेसरीज आर कस्टम मेड फॉर इनोवा हाई क्रॉस। यही अगर हम बात करें अपने डोर पैनल्स की, डोर पैनल्स भी हमारे भाई कंपनी हमें ब्लैक कलर के प्रोवाइड किए जाते थे, बट इसको डबल पार्ट के अंदर हमने आइस ग्रे कलर के अंदर ही फिनिश करा है, जिसमें हमारा अपर वाला पार्ट भी पूरा आइस ग्रे है, लोअर वाला पार्ट भी आइस ग्रे है। एंड कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इसमें भी आपको किसी भी तरह के कोई रिंकल्स एंड ऑल देखने को नहीं मिलेंगे, एंड प्रॉपर स्टिचिंग पैटर्न भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्लस जब हम डोर पैनल्स, जब इसके हमने इतनी अच्छी वर्किंग करी, तो वन मोर थिंग वेयर दिस कार लैक वॉज द पावर विंडो प्लेट्स, जो कि हमें मैट ब्लैक बाय कंपनी मिलती है, तो उसको भी हमने प्रॉपर यहाँ पे पियानो ब्लैक के अंदर हाइड्रो डिप करा है। तो ये तो हमारा सारा हो गया सीट्स का, मैट्स का, डोर पैनल्स का। अब चलते हैं कार के अंदर, एंड कार के अंदर मैं आपको चल के दिखाता हूँ उसका सेंटर कंसोल। अब आ चुके हैं हम कार के अंदर, एंड कार के अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले हमारे बिफोर शॉट्स में देखा होगा, जो सेंटर कंसोल हमें बाय कंपनी मिलता है जीएक्स मॉडल के अंदर, वो पूरा मैट ब्लैक आता है। एंड ZX मॉडल में हमने देखा होगा उसके अंदर कंपनी हमें ग्लॉस ब्लैक प्रोवाइड करती है, सो इसके अंदर भी जस्ट लाइक ZX मॉडल हमने पूरे के पूरे सेंटर कंसोल को ग्लॉस ब्लैक हाइड्रो डिप करा है, जिसकी फिनिश आपके सामने, दिस इज अ पियानो ब्लैक हाइड्रो डिप, जिसमें हमारा जो गियर वाला एरिया है इसको भी हाइड्रो डिप किया गया, जो हमारे AC कंट्रोल्स है उसके बैकग्राउंड को भी पियानो ब्लैक किया गया, जो हमारे सिस्टम का फ्रेम है इसको भी पियानो ब्लैक हाइड्रो डिप किया गया, एंड जो इसके पीछे वाला कवर है इसको भी पियानो ब्लैक हाइड्रो डिप किया गया है। तो पूरा का पूरा सेंटर कंसोल हमें जो पहले मैट ब्लैक मिलता था उसको बिल्कुल यहाँ पे पियानो ब्लैक हाइड्रो डिप कर दिया गया है। एंड जो हमारे स्टीयरिंग भी आप देखेंगे यहाँ पे, स्टीयरिंग का भी जो सराउंडिंग वाला एरिया है इसको भी प्रॉपर हमें पियानो ब्लैक हाइड्रो डिप करा है। एंड दिस इज नॉट अ पियानो ब्लैक पेंट जॉब, लाइक जनरली क्या होता है कि इन ऑर्डर टू सेव कॉस्ट काफी लोग पियानो ब्लैक हाइड्रो डिप की जगह इसके ऊपर पियानो ब्लैक पेंट जॉब भी कर देते हैं। अब पेंट जॉब के अंदर कभी भी वो फिनिशिंग आ ही नहीं सकती जो एक ग्लॉस ब्लैक हाइड्रो डिप के अंदर आती है, सो वी नेवर डू एनी पेंट जॉब। जितना भी आपको हमारे पास मिलेगा दिस इज ऑल प्रॉपर हाइड्रो डिपिंग। इसकी ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी, शाइन, हर चीज आपको A+ मिलेगी, इसके अंदर किसी भी तरह की कमी नहीं मिलती। एंड ये सब करने के बाद ये बहुत छोटी छोटी चीजें, लाइक हमने इसके अंदर डोर पैनल्स को लेदर रैप कर दिया, हमारा जैसे आप देखेंगे डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड को भी यहाँ पे प्रॉपर लेदर रैप किया गया, जो अर्लियर में ब्लैक मिलता था इसको भी लेदर रैप करके आइस ग्रे के अंदर पूरी इसकी थीम मेंटेन की गई है। एंड दिस इज टोटल इन 3 पीस, पीस नंबर 1, पीस नंबर 2 एंड पीस नंबर 3 हमारे ड्राइवर साइड पे, सबको यहाँ पे आइस ग्रे के अंदर फिनिश किया गया। सो ये छोटी छोटी चीजें ही है जो कार का आपने अर्लियर बिफोर लुक में देखा होगा, जो GX मॉडल काफी ज्यादा बेसिक एंड ब्रांड लगता है उसका इंटीरियर, बट जब हम ये सारे के सारे छोटे मोटे इसके अंदर टिडबिट्स कर देते हैं, लाइक लेदर रैपिंग, सीट्स, मैट्स, पियानो ब्लैक हाइड्रो डिपिंग, तो इसको करने के बाद अब इसको देख के कोई कह ही नहीं सकता दैट दिस इज अ GX मॉडल। ऑल टुगेदर इस कार का इंटीरियर का जो सोफिस्टिकेशन लेवल है वो काफी नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। एंड एक चीज हमने इस कार के अंदर जो और काफी अच्छी इंस्टॉल करी है, दो ज्यादा एम्बियंट लाइट्स, जिसकी मैं आपको स्विच ऑन करके अब दिखाना चाहूंगा। जैसे ही हम अपनी कार को ऑन करते हैं तो आप देखेंगे हमारे जो साइड डोर पैनल्स भी हैं, डोर पैनल्स के अंदर काफी यहाँ पे आपको अल्ट्रा स्लिम एम्बियंट लाइट्स आपको लगी हुई मिलेंगी, जो कंपनी हमें यहाँ पे एक स्पेस प्रोवाइड करती है
उसी स्पेस के अंदर इसको फिट किया गया। एंड जब ये लाइट्स ऑफ होती है तो उसको देख के आप कह ही नहीं सकते आपको कुछ लगा भी रहे, दीज आर टोटली कॉन्सील्ड एम्बिएंट लाइट्स। एंड ये हमारे फ्रंट डैशबोर्ड में भी इंस्टॉल की गई है, हमारे ड्राइवर साइड पे भी इंस्टॉल की गई है, प्लस हमारा जो आप ड्राइवर साइड वाला डोर पैनल देखेंगे उसके अंदर भी इंस्टॉल की गई है। इसके अंदर हम कैसा भी कलर सेट कर सकते हैं अपने मोबाइल ऐप के थ्रू, 64 कलर एम्बिएंट लाइट है, सो किसी भी तरह का कलर हम सेट कर सकते हैं, किसी भी तरह की ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं। लाइक अभी तो हमने बिल्कुल इसकी ब्राइटनेस को डिम रखा हुआ है बिकॉज बहुत ज्यादा ब्राइटनेस कस्टमर को नहीं चाहिए थी, सो डिम सी ब्राइटनेस अपने हिसाब से उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। ये अगर आप देखेंगे रियर वाले उसमें, तो रियर वाले के अंदर भी सेम चीज आपको मिलेगी, जो कैप्टन सीट हमने बनाई है उसका इंटीरियर थीम भी बिल्कुल सेम है फ्रंट वाले से। एंड जो डोर पैनल्स आप देखेंगे, डोर पैनल्स के अंदर भी आपको एम्बिएंट लाइट्स अलॉन्ग विद द लेदर रैपिंग देखने को मिलेगी। सो गाइज, दिस इज ऑल जो मॉडिफिकेशन हमने इस कार के अंदर आज कैरी आउट करा है। जैसा कि मैंने आपको अर्लियर भी अपनी हाईक्रॉस वाली वीडियोस के अंदर प्रॉमिस किया था कि हाईक्रॉस इज वन कार जिसके अंदर जो मॉडिफिकेशन कंटेंट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा वो काफी ज्यादा एक्सक्लूसिव एंड डिफरेंट रहने वाला है। लाइक अर्लियर आपने हमारे चैनल पर देखा होगा दैट GX मॉडल को हमने ZX मॉडल स्टाइल इंटीरियर के अंदर तो काफी मॉडिफाई करा है इन द चेस्टनट फिनिश, बट आज जो मैंने आपको कलर थीम दिखाई है दिस इज द आइस ग्रे कलर। एंड आने वाले टाइम के अंदर भी आपको काफी डिफरेंट इंटीरियर थीम्स हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। अब जैसे काफी इनोवा हाईक्रॉस कस्टमर्स है जो अपने हेडलाइट्स के रिस्पॉन्स से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसका भी अपग्रेड हम कर चुके हैं, उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर लाइव है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। एम्बिएंट लाइटिंग अपग्रेड, एक्सटीरियर अपग्रेड, इंटीरियर अपग्रेड, तरह तरह की मॉडिफिकेशन मैं आपको ऑलरेडी अपने चैनल पर दिखा चुका हूं। एंड आने वाले टाइम में भी आपको काफी नेक्स्ट लेवल कॉन्टेंट रिलेटेड टू हाईक्रॉस हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। एंड बदले में आई वुड ओनली रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाइक एंड शेयर कीजिए, सो दैट हमें भी एक मोटिवेशन मिलती है आपको इस टाइप का कंटेंट दिखाने के लिए। एंड अगर आप सबके पास भी ऐसी ही कोई कार है, बी एट हाईक्रॉस या फिर किसी भी तरह की आपके पास कोई कार है जिसमें यू आर लुकिंग फॉर एन इंटीरियर अपग्रेड और एन एक्सटीरियर अपग्रेड, या फिर आपको उसके अंदर एक प्रीमियम ऑडियो अपग्रेड करवाने हैं, किसी भी तरह की आपकी कोई कार एक्सेसरीज की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस वी आर मोस्ट वेलकम टू विजिट अस। जो शोरूम का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अलॉन्ग विद गूगल मैप्स लिंक, जिसको क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे शोरूम तक नेविगेट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इफ यू वांट टू स्टे अपडेटेड विद अवर डेली अपडेट्स देन यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। जो इंस्टाग्राम पेज का यूजर हैंडल है वो नीचे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, सो यू कैन गो एंड फॉलो अस देयर। ऑल्सो इफ यू गाइज हैव एनी फीडबैक रिलेटेड टू आवर वर्क यू कैन लीव इट इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो बिकॉज योर फीडबैक इज रियली वेरी वैल्यूएबल टू अस। दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन to stay notified for all the upcoming future videos. This is me, Rahul, signing off for a day. Thank you.